सो हे गाइज, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। जैसे कि गाइज आप सबको पता है, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि गाइज आप किस तरह से अपने YouTube वीडियोस के लिए एक थंबनेल बना सकते हो। और गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप का यूज करके अपने थंबनेल को किस तरह से बना सकते हो। क्योंकि गाइज आप सबने देखा होगा कि अगर आप अपने थंबनेल को बनाते हो किसी पिक्सआर्ट में या किसी भी और एप्लीकेशन में बनाते हो मोबाइल की, तो वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते। मतलब लगते हैं, अगर आप अच्छे से बना सकते हो उसमें तो आपको वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट गाइज अगर आप नहीं बना सकते तो आपके लिए वो यूजलेस हो जाती है वो एप्लीकेशन। तो कई जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने थंबनेल्स को प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन चीजों में बनाते हैं। तो गाइस मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपना थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी फोटोशॉप के अंदर। और गाइस क्योंकि आप सब जानते हो ये चीज की, जितने भी हमारी यूट्यूब की ऑडियंस होती है, जब वो अपना यूट्यूब देख रही होती है, स्क्रॉल कर रही होती है अपने मोबाइल को, तो उसके बीच में गाइस क्या होता है कि जब भी उसको कोई भी थंबनेल दिखता है अच्छा सा कि हाँ हमने उसके ऊपर कोई हेडिंग दी हुई है अच्छी सी या कुछ ऐसा दिया हुआ है कि बंदा सोचने में मजबूर हो जाए कि हाँ भाई इस वीडियो को देखना चाहिए कि इस वीडियो में है क्या ऐसा, तो हमें इस टाइप का कुछ थंबनेल बनाना चाहिए जिसके अंदर की ऑडियंस क्लिक करे उस पर हमारी वीडियोज के ऊपर आए। और गाइस जो बंदा अपने यूट्यूब वीडियोज के ऊपर इस तरह से थंबनेल लगाता है, उसकी वीडियोज के ऊपर आप कंपेयर करोगे तो नॉर्मल वीडियो से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो गाइस यही चीज होती है कि हम किस तरह से अपने वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं। बट गाइस उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस मेरे इस चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आते रहते हैं जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि आप किस तरह से अपने फोटोशॉप के अंदर एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो भी वेरी सिंपली। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप एक दो चीजें करोगे फोटोशॉप के अंदर तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से एक अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस जैसे कि अब आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप देख सकते हो कि आपके सामने मेरे कंप्यूटर में तो दिख रही है। तो गाइस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने क्या चीज करनी है और किस तरह से अपना एक थंबनेल क्रिएट करना है। तो गाइस चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने पीसी के अंदर एक फोटोशॉप रखना है, जो कि गाइस मेरे अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप फोटोशॉप या कोई भी सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। अगर गाइस आपको नहीं पता तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ऐप का लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो, वहां से आप अपने फोटोशॉप या किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में और वही की के साथ। तो गाइस चलिए हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे गाइस अपने फोटोशॉप को ओपन करना है। तो फोटोशॉप को ओपन करने के बाद गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर एक कैनवस लेते हैं, जो कि हमें साइज पता होना चाहिए कि हमने किस साइज में अपनी थंबनेल बनाने या अपना प्रोजेक्ट बनाने या किसी भी तरह का जो भी हमने रखना है वो हम इसके अंदर लेंगे कैनवस। तो गाइस हम जो हमारा YouTube है, YouTube के ऊपर जो हम थंबनेल बनाते हैं उसका साइज होता है जो स्टैंडर्ड साइज है 1280x720। तो गाइस मैं इस साइज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास एक यहाँ पर ब्लैक कैनवस आ चुका है। तो गाइस अब इस ब्लैक कैनवस के आने के बाद हमने क्या करना है, गाइस इसको हमने हमें थंबनेल में चेंज करना है जो कि हम अपने वीडियो के लिए थंबनेल बनाएंगे। तो गाइस अब हमने क्या करना है, सबसे पहले गाइस हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर लिखना है। तो वो गाइस जो हमने लिखना है ना, वो चीज़ आप पहले डिसाइड करके रखोगे कि आप क्या अपने थंबनेल पर लिखना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी खुद की आज की ये वीडियो बना लो कि हाउ टू क्रिएट अ थंबनेल, तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो थंबनेल। तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, गाइस सिंपली मैं यहाँ पर हम यहाँ पर गाइस टी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट का वो आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना जो भी टाइप करोगे वो आपका टाइप हो जाएगा। तो गाइस आपने यहाँ पर क्या लिखना है, मैं लिखने सकता हूँ यहाँ पे ये, गाइज मैंने यहाँ पर एक हेडिंग ले लिया जो कि मुझे चाहिए अपनी वीडियो के लिए। तो गाइज अब हमने क्या करना है, इसको थंबनेल बनाना है, तो उसके लिए हमें इस जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है इस सारे टेक्स्ट को हमें एडजस्ट करना होगा कि किस तरह से हम इस टेक्स्ट को यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसको एक लेआउट में लेके आ रहा हूँ कि इसको बराबर यहाँ से इसके एज स्टार्ट हो ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो गाइज सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ अपने जितने भी टेक्स्ट है इन सारे टेक्स्ट को मैंने क्या किया है यहाँ पे एक साइड में अलाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस इस चीज को। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, जो ये हमारा हाउ टू है ना, ये चीज हमारी होगी गाइस इतना। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, सिंपली इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो कि हमारा क्रिएट है, क्रिएट का कलर गाइस मैंने यहाँ से रेड कर दिया, तो साथ ही साथ जो हमारा ये यूट्यूब है क्रिएट होगा तो इसको भी गाइस यहाँ से कैपिटल करके उसे यहाँ से रेड कर देता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये गाइस इतना काम हो रहा है, तो इसी चीज़ को यहाँ से जा दिया गाइस बोल्ड कर सकते हैं। अगर
उसको मैंने वहाँ से बोल्डिंग कर दिया थोड़ा सा कि थोड़ा अच्छे में दिखने लगे। तो गाइज अब आप देख सकते हो सिंपल हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट ही लिखा है जो कि आपको पता चल रहा है हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स ऑन YouTube वीडियोस, मतलब अपनी YouTube वीडियोस के लिए आप थंबनेल कैसे क्रिएट करें। तो गाइज मैंने सिंपली इतनी चीज़ें बताई है अभी इसके अंदर, और उसके बाद गाइज हमने अब इसको और अच्छे से बनाना है ताकि ये दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो उसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पर इसके बैक में एक यहाँ पर लेयर ले लेते हैं जिसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो गाइज हमने इसका ब्लैक कलर कर दिया, तो अब आप देख सकते हो कि क्या हुआ ब्लैक कलर करने से, ये इसके ऊपर आ गया और जो हमारा ये टेक्स्ट है हाउ टू ये हमें विजिबल नहीं है। तो इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे गाइज, इसको हम कर देंगे वाइट। तो गाइज मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से सारे को वाइट कर दिया, जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको मैं गाइज वाइट करता हूँ, और दोबारा से जो हमारा यूट्यूब है इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ रेड। तो गाइज हमने इतना काम यहाँ पे कर दिया है। तो गाइज अब आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपल एक टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट लेके हमने क्या किया उसका साइज इंक्रीज किया और उसके पीछे एक हमने लेयर लगा दी ब्लैक कलर की, इतना काम गाइज हमने करना था अभी यहाँ के लिए। अब आप देख सकते हो कि इतने में आपको गाइज थोड़ा दिखने में लगेगा कि हाँ ये थंबनेल थोड़ा क्रिएट हो चुका है। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये थंबनेल है ना, मैं इस थंबनेल का यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ अभी कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगे ये, थोड़ा ताकि मतलब यूजर इंट्रैक्शन के मुताबिक ये थोड़ा इंट्रैक्ट हो, बंदा देख के अच्छे से क्लियर हो जाए बंदे को, इसलिए गाइज मैं कह रहा उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो गाइज ये कलर हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट कर दिया इसका थंबनेल का, उसी तरह से गाइज आप देख सकते हो कि हमारा इतना काम हो चुका है। जो हमारी यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप गाइस अपनी खुद की इमेज भी लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो, और साथ साथ अगर किसी और यूट्यूबर की लगाना चाहते हो आप वो भी चीज कर सकते हो। तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, गूगल के ऊपर जाऊंगा, गूगल के ऊपर जाके मैं PNG यहाँ से कोई भी पर्सन की इमेज ले लेता हूँ, पर्सन PNG। तो गाइस आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो गाइज हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इमेज है जो कि मैं अपने वीडियो के लिए ले रहा हूँ। गाइज ये मैंने यहाँ से इमेज ली, सेव कर ली यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे, और इसी इमेज को मैं अपने फोटोशॉप पे जाकर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये इमेज यहाँ पर हमारी प्लेस हो चुकी है। तो गाइज जैसे मैं इसको टिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक थंबनेल क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि अब आपको देखने में लग रहा है कि हाँ अभी बंदा कर रहा है कि यस इट्स वर्किंग, मतलब हमारा थंबनेल अच्छे से क्रिएट हो चुका है। और ये जो व्हाइट कलर है गाइस, इस व्हाइट कलर को भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ही वो कलर आपका चेंज हो जाएगा जैसे आप करना चाहो। तो इस तरह से भी हम कुछ इसको रख सकते हैं कि ये देखने में थोड़ा ये लगे। अब क्या करते हैं, जो हमारी ये नीचे से स्पेस आ रही है, इस स्पेस को हमने अगर गैप करना है उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, सिंपली यहाँ पे एक और स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक, इसको हमने यहाँ से एडजस्ट किया इतने में, ये इसको हम वाइट कर देते हैं, वाइट किया, वाइट करके हम इस लेयर को गाइस यहाँ से सबसे नीचे आके यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो गाइस कितना सा ही हमने अभी यहाँ पे काम करना था, उससे क्या होगा कि यहाँ पे जितनी भी हमारी स्पेस थी वो सारी स्पेस अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, जो कि इसकी जितनी स्पेस थी वो हमने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी है, ये ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये अलग है ये अलग है कुछ भी ऐसा। ये चीज़ अगर आप नहीं भी करना हो तो आप इसको गाइस सिंपली डिलीट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी रखोगे तब भी ये अच्छा लगेगा। एक यूट्यूब का आपका थंबनेल क्रिएट हो चुका है थंबनेल, जिससे कि कोई भी यूज़र आएगा तो इसको अगर देखता है कोई पढ़ता है तो वो एकदम इस पर क्लिक करेगा। और उसके लिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे यूट्यूब PNG, YouTube का गाइस जो हमारा आइकन है ना, हम उस आइकन को भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा और ज़्यादा दिखने में सही लगे हमारा। तो हम क्या करते हैं, इस जो हमारा आइकन है इस आइकन को हम यहाँ पर लाते हैं, आइकन यहाँ ला के क्या करते हैं यहाँ पर गाइस प्लेस कर देते हैं, इसको प्लेस किया। अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसका जो हमारा टेक्स्ट है इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर को, ताकि नीचे थोड़ी स्पेस रहे, ये गाइस हमने थोड़ा सा किया इसको किया हमने, बस इतना सा काम गाइज हमने करना था। अभी आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल क्रिएट हो चुका है, जो कि आप इस तरह से आप एक ना थंबनेल बना सकते हो। तो गाइज मैंने फटाफट सिंपली सिंपल से बनाया कि आपको बताने के लिए कि आप किस तरह से एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, बट गाइज अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो आप अच्छे से एक थंबनेल बना सकते हो। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि गाइज मैंने इसमें आपको बताया कि आप किस तरह से अपना एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।